वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया यानी कि सीडीएसएल स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट भी आप ये चेक करेंगे। तो सीडीएसएल स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते 1249 पे क्लोजिंग दे चुका है सीडीएसएल स्टॉक फ्राइडे के दिन में। तकरीबन देख सकते कि 22 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी थी, 1.83% की तेजी 2% तक तेजी देखने को मिली थी स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि फ्राइडे के दिन जैसे ही गैप डाउन से ओपन हुआ था, ओपन होके प्रीवियस क्लोजिंग को एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकआउट देते ऊपर तेजी देखने को मिली थी और ऊपर ही सेटल हो चुका था स्टॉक अच्छे से। तो रिसेंटली देख सकते हैं मार्केट कैप जो सीडीएसएल स्टॉक की 13,000 करोड़ के ऊपर फिर से एक बार जाती हुई नजर आ चुके हैं। पी रेशियो देखोगे तो 42.79 का है और डिविडेंड की बात की जाए तो 1.20% का डिविडेंड यील्ड भी है। तो पिछले 5 दिनों की बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक के अंदर 23 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है, 1.81% की गिरावट देखने को मिले सीडीएसएल स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली सीडीएसएल स्टॉक के लास्ट 1 मंथ की भी मूवमेंट देखी जाए तो 3.56% की गिरावट हो चुकी है वो लास्ट 1 मंथ के अंदर। न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे तो करंटली कोई न्यूज देखी जाए तो देख सकते 8 आवर्स की न्यूज है तकरीबन। तो देख सकते कि तकरीबन कोई खास न्यूज है क्या सीडीएसएल स्टॉक के लिए। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया शेयर 7.1% इस वीक, तो कोई खास न्यूज देखने को नहीं मिले सीडीएसएल स्टॉक के लिए। तो वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे, सॉरी चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो यहाँ पे सीडीएसएल स्टॉक में देख सकते इस मंथ में बहुत से गिरावट देखने को मिले। स्टॉक 1400 लेवल के ऊपर चला गया था, 1450 का हाई बनाया और वही से गिरावट देखने को मिली स्टॉक में। तो फिर से गिरावट हो चुकी है तो मंथली प्योर जो था उसके ऊपर यहाँ पे तक आ चुका था। पर जिस सेम मंथ में देख सकते कि एक मंडे से नया मंथ चालू होगा तो मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी, मंथली प्योर लेवल भी चेंज हो जाएंगे। तो देख सकते कि तकरीबन प्योर लेवल को ही नीचे आती है तो फिर से सपोर्ट लग के ऊपर बाउंस बैक होने के चांसेस आ जाएंगे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट सीडीएसएल स्टॉक के लिए।